काली विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की खचाखच भीड़ में हुआ ब्लास्ट, अफरा तफरी का माहौल, घटनास्थल पर ही एक की मौत, कई घायल। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। काली विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की खचाखच भीड़ के बीच एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है, जिन्हें मायागंज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक है। आपको बताते चले कि भागलपुर के नया बाजार मुस्कान मेडिकल हॉल के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यह ब्लास्ट गुब्बारा फुलाने वाले गैस सिलेंडर से हुई है। घटना जैसे स्थान पर हुई, वहां पर तकरीबन 20,000 लोग इकट्ठा थे। भागलपुर में काली विसर्जन शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। बीचों बीच यह ब्लॉक होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग एक दूसरे पर गिरकर भागने लगे। माहौल इस कदर बन गया है कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो आखिर किधर जाए। गुब्बारा का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी कंपनी बाग के रहने वाले रंजीत मंडल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जिसके चिथड़े उड़ गए। साथ ही कई लोग घायल हैं, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वही मृतक रंजीत मंडल का शव पुलिस अपनी कस्टडी में ले लिया है। क्या बोले? हम उधर से आ रहे थे और ये आदमी जो है यहाँ पे बैलून बेच रहा था। इसका यहाँ पे 3 बच्चा था और ये जो जब बैलून हम लोग उधर से आ रहे थे, अचानक ये ब्लास्ट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा। और जब हम यहाँ पे पहुँचे, देखिए मैं, हमको भी यहाँ पे ब्लड लगा है पूरा यहाँ पे, और अचानक देखे थी पूरा एकदम ब्लास्ट किया। इनका खोपड़ी उड़ गया, आधा हाथ वहाँ पे फेंका हुआ था, फिर वहाँ पे रोड पे गिरा हुआ था। हाँ, घायल 2 है, एक छोटा बच्चा है, लगभग 8-9 साल का बच्चा है। वो इसका यहाँ से पूरा हाथ उड़ गया है। नहीं नहीं, इसी का बच्चा था। हाँ, इसी का कोई बड़का भाई का बच्चा था, और वो अभी थाना गाड़ी, प्रशासन गाड़ी आए, उस पर बैठा के लेके गए।